दीज आर द ट्वेंटी मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड्स बाई इंडियंस ये मैं नहीं कह रहा ये नॉट पास जो एक पासवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो लोग कह रहे हैं उन लोगों ने कुछ चार्ट टेराबाइट का डेटा डाप एनालाइज किया एंड पब्लिश अ लिस्ट ऑफ ऑल द कामनली यूज पासवर्ड्स अलॉन्ग विथ हाउ लॉन्ग ईच पासवर्ड विल टेक टू क्रैक ज़्यादातर पासवर्ड्स के लिए इट इज़ लेस देन अ सेकेंड सो so, ये तो क्लियर है कि अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए ऐसे पासवर्ड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए बट देन कैसे पासवर्ड्स यूज करना चाहिए लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू गेस यू कैन लुक एट दिस चार्ट टू सी हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर एन एवरेज कंप्यूटर टू क्रैक अ पासवर्ड सो कैसे पासवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स ये है कुछ पासवर्ड्स जो मैं यूज़ करता हूँ नहीं बताऊंगा कौन से अकाउंट के लिए बट दीज आर सम पासवर्ड्स दैट आई यूज they look weird and complicated right well that is how they should be then the question is in passwords ko yaad kaise rakhe the answer is in passwords ko aapko yaad nahi rakhna hai you should use something like a password manager but ye password manager kya cheez hai bhai Let me explain. Bank में जैसे आपका locker होता है या फिर तिजोरी safe होता है जिसमें आप uh, चीज़ें रखते हो अपने valuables को रखते हो जैसे property के कागज़ या फिर gold, या फिर कुछ अदर ज्वेलरीज़ और उस लॉकर को आप तभी अनलॉक कर सकते हो अगर आपके पास एक स्पेसिफिक की हो वैसे ही ये पासवर्ड मैनेजर भी आपके वैल्यूएबल पासवर्ड्स को स्टोर करता है और आप पासवर्ड मैनेजर को अनलॉक कर सकते हो विथ अ मास्टर पासवर्ड अ मास्टर पासवर्ड इज़ वन पासवर्ड दैट कैन अनलॉक ऑल द पासवर्ड्स दैट आर स्टोर्ड इन द पासवर्ड मैनेजर ना मार्केट में बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स हैं वन पासवर्ड बिटवॉर्ड इन डैशलिन लास्ट पास एन पास की पास एंड देन रोबो फॉम एंड नॉट पास और बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स है अगर मैं सारे पासवर्ड मैनेजर्स का नाम बोलने जाऊँ तो कुछ घंटे चले जाएँगे प्रोब्रबली इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक सा डेमो दूँगा विथ बिट वॉर्डन और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे पासवर्ड मैनेजर को सेटअप करना है उसमें कैसे पासवर्ड्स को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पासवर्ड्स हैं उनको एंटर करना है उनको सेव करना है कैसे पासवर्ड मैनेजर्स यूज़ करके सेफ एंड सिक्योर पासवर्ड जनरेट करना है एंड ऑल्सो कैसे पासवर्ड मैनेजर्स के ब्राउजर एक्सटेंशन को यूज़ करके वेबसाइट में यू नो विद इन लाइक टू थ्री सेकेंड्स लॉग इन करना है ओके नाउ आई नो आपके पास दो क्वेश्चन प्रोबेबली होंगे वाई नॉट यूज़ द पासवर्ड स्टोरिंग ऑप्शन इन योर ब्राउजर सच एज क्रोम या फिर फायरफॉक्स वेल द आंसर इज सिंपल देर आर थ्री रीजन प्राइमरली अगर आप क्रोम यूज़ करते हो और आप वहाँ पे सारे पासवर्ड्स को सेव करते हो दैन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज द सेम पासवर्ड्स इन अ डिफरेंट ब्राउजर अगर आपको ज़रूरत पड़े Number two, your passwords will all be tied to your Google account or your Apple account. And the second question is, why Bitwarden? Because Bitwarden Bitwarden's free plan that is the best free plan out there among all the password managers that I have seen. And Bitwarden is also open source and also highly trusted. Whatever I show you with Bitwarden, you can use it with a different password manager also, such as Dashlane or LastPass. Okay, so with that out of the way, let me show you how to get started. सो so, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा विट वार्डन के होम पेज पे जो है विट वार्डन डॉट कॉम लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में क्लिक ऑन लॉग इन इसके बाद आपको क्लिक करना है ऑन क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी आपका नाम एक मास्टर पासवर्ड और एक पासवर्ड हिंट भी टाइप करना है मास्टर पासवर्ड ऐसा कुछ रखना जो दूसरे लोग गैस ना कर पाए एंड ऐसा कुछ रखना जो आप याद रख सको इफ यू फोर योर मास्टर पासवर्ड देन यू विल लूज एक्सेस टू ऑल योर पासवर्ड्स अब मैंने अपने अकाउंट में लॉग इन कर लिया है जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा ई मेल कन्फर्म करने का ऑप्शन उसमें क्लिक करना और आपको ये लोग एक ई मेल भेजेंगे उसको कन्फर्म कर लेना सो वेन एवर यू ओपन बेट वार्डन ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको ऊपर में लिखा होगा माई वॉल्ट सेंड अगर आपको किसी को कुछ सेंड करना है टूल्स एंड सेटिंग्स आप उसको आप उसको एक्सप्लोर कर लेना एज फॉर यू नो एडिंग योर एग्जिस्टिंग पासवर्ड्स आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन हैं फर स्टार्टर्स आप ऐड आइटम में क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम ई मेल आई यूज़र नेम वो सब डाल सकते हैं कौन से वेबसाइट में आपको यूज़ करना है सो गूगल डॉट कॉम माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम वो सब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो अल्टरनेटिव है जो ईजियस्ट सोल्यूशन है मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे करना है क्लिक क्योर एंड यहाँ पे गेट दी एप्स उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जो एप्स हैं वो आपको दिखेंगे विंडोज मैक मैकोस लिनक्स एंड उसके बाद डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए भी जो एक्सटेंशन है वो भी आपको दिखेंगे यहाँ पे नाउ सिंस आई एम यूजिंग क्रोम मैं क्लिक करूँगा ऑन गूगल क्रोम नॉपिस देख सकते हैं मोर देन ट्वेंटी लैक पीपल यूज़ दिस एक्सटेंशन ऑन क्रोम एंड आप देख सकते हो सिक्सटीथ ऑफ फेब्रवरी को लास्ट अपडेट किया गया था सो इट्स अ वेरी पॉपुलर एक्सटेंशन वेरी वेल मेनटेन्ड नाउ मिट वार्डन इंस्टॉल करने के बाद आपको इस आइकॉन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करके यूनिटू क्लिक ऑन मिट वार्डन ये पेन आइकॉन कर लेना एंड फिर यहाँ पे आपको बोलेगा लॉग इन करने के लिए तो so, आपने जो अकाउंट क्रिएट किया यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ उससे लॉग इन कर लेना लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा सो so, जब आपके पास कोई पासवर्ड्स होंगे स्टोर तब यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखेगा बट फॉर नाउ कोई पासवर्ड स्टोर नहीं है सो वट एम ग डू इज लेट्स से गो टू फेसबुक डॉट कॉम सो अगर आप लॉग इन है अपने फेसबुक अकाउंट या दूसरे किसी अकाउंट में जस्ट लॉग आउट वंस उसके बाद यहाँ पे अपना ई मेल पासवर्ड टाइप करना सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे टाइप किया इन ई मेल आई डी नीलांजन एट जी मेल डॉट कॉम एंड पासवर्ड मैंने डाला पासवर्ड मैं क्लिक करूंगा ऑन लॉग इन एंड यहाँ पे ऐसे प्रॉम्प्ट देखा आपको क्लिक ऑन सेव नाउ मैंने आपको दिखा दिया पासवर्ड कैसे सेव करना है नॉ लेट्स सी हाउ टू क्विकली लॉग इन यूजिंग इन बिट आपको इस आइकॉन में दिखेगा uh, कि यहाँ पे वन लिखा है इसका मतलब है एक एंट्री है इस वेबसाइट के लिए सो so, मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा एंड ऑटोमेटिकली ये यूजर नेम और पासवर्ड फिल हो गया जिस क्लिक है क्लिक ऑन लॉग इन एंड यू नो लॉग इन शुरू हो जाएगा गलत से आपको किसी वेबसाइट में जाके अपना पासवर्ड चेंज करना है एंड फॉर दैट यू वांट टू जनरेट अ न्यू पासवर्ड आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है सो बिट वॉड में आपको ये जनरेटर टाइम में जाना है एंड यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे पासवर्ड करने का ऑप्शन है पासफ्रेज क्रिएट करने का ऑप्शन है मैं आपको रिकमेंड करूँगा पासवर्ड यूज़ करने का सो so, आप चूज करना पासवर्ड एंड देन आप यहाँ पे पासवर्ड का लेंथ देना सो so, काफ़ी सारे बैंकिंग वेबसाइट्स में आपको लिमिटेशन होता है 16 या 20 कैरेक्टर्स का सो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना एंड अदरवाइज आप अगर फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसे कंपनीज वहाँ पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो या फिर वहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज करना है देन यू कैन गो ऑल द वे टू 100 हंड्रेड करेक्टर्स ऑल्सो यहाँ पर आप एक सौ अट्ठाईस कैरेक्टर तक का लंबा पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं बट ऑन यू नो ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स आपको हंड्रेड मैंने uh, मैं तो 100 कैरेक्टर्स के पासवर्ड यूज़ करता हूँ आई डोंट हैव एन इश्यूज विथ गूगल फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट इसके बाद यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा आपको पासवर्ड दिखेगा एंड यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आपको अपर केस लेटर्स नहीं चाहिए देन यू जिस अन दिस एंड जितने सारे अपर केस लेटर्स थे वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे सो लेट्स से मैं 32 टू करैक्टर्स का एक पासवर्ड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑल आई हैव टू डू इज़ गो डाउन यहाँ पे मैं कस्टमाइज कर लूँगा अच्छे से क्या क्या मेरे को चाहिए अकॉर्डिंगली uh, मेरे को अगर लेट्स से मेरे को चाहिए मिनिमम एट नंबर्स होने चाहिए सो आई जस्ट चूज़ एट एंड मेरे को लगता है एटलीस्ट एट स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए सो आई जस्ट चूज़ एट एंड आप देख सकते हो नया एक पासवर्ड जनरेट हो चुका है आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन जनरेट पासवर्ड एंड दूसरा एक रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा एंड एवरी सिंगल टाइम यू क्लिक किया एक, एक नया पासवर्ड जनरेट होगा अगर आपको देखना है पुराना पासवर्ड का एक हिस्ट्री तो आप क्लिक करोगे ऑन पासवर्ड हिस्ट्री एंड यू नो जितने सारे पासवर्ड्स इसने अब तक जनरेट किए हैं वो सारे आपको दिखा देगा अगर आपको क्लियर करना है जस्ट क्लिक ऑन क्लियर एंड सारे पासवर्ड्स चले जाएंगे सो दिस इज़ हाउ यू यू नो जनरेट सेफ़ एंड सिक्योर पासवर्ड्स थ्रू बिट वार्डन नॉट ओनली कैन यू सेव लॉग इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो सेव क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अगर आपका आधार या पैन कार्ड डिटेल्स रखना है सेव करना है दैन यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड अगर आपका कुछ सिक्योर नोट सेव करना है तो फिर आप इसमें क्लिक करके वो कर सकते हैं अगर आप सेटिंग्स में आएंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे अनलॉक विद बायोमेट्रिक्स अनलॉक विथ पेन एट्सेट्रा आप एक्सप्लोर कर लेना इसको सो एज यू कैन सी जब आप एक्सटेंशन के थ्रू कुछ ऐड करते हैं सेम चीज़ें उसके वेबसाइट में भी रिफ्लेक्ट करती हैं यू कैन डाउनलोड बिट वार्डन ऑन एनी नंबर ऑफ डिवाइस अगर आपके पास दस डिवाइसिस हैं फॉर सम रीजन यू कैन यूज़ बिट वार्डन ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑल ऑफ दोज डिवाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जितने सारे ब्राउजर्स यूज़ करते हैं इंस्टॉल द एक्सटेंशन ऑन ऑल ऑफ दम एंड जस्ट लॉग इन वंस एंड उसके बाद यू कैन लॉगिन टू एनी वेबसाइट वन एवर यू वांट कोई इश्यू ही नहीं होगा आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पर टी ओ टी पी मतलब टाइम वेस्ड ओ टी पी आप यूज़ कर सकते हैं जो तीस सेकेंड तक वैलिड होते हैं लेकिन बिट वार्डन का जो फी प्लान है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं होता सो so, अगर आपको टी ओ टी पी चाहिए विच यू सर्टनिश यूज़ आप गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट यूजिंग ऑथी ये क्रॉस डिवाइस ऑब्वियसली है प्लस यहाँ पे आपको अच्छे से सेटअप गाइड्स मिलेंगे कौन से वेबसाइट में कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है उसके बारे में बहुत ही डिटेल गाइड आपको मिल जाएगा मैं जितने सारे एप्स एंड सर्विसेज के बारे में बोल रहा हूँ आई विल लीव लिंक्स फॉर ऑल ऑफ दैम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको बिटवॉर्ड इन थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड लगा या फिर अगर उसका डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आया या फिर बिटवॉर्डिन का जो फ्री वाला वर्जन है उसमें कुछ फीचर्स है जैसे टी ओ तो टी पी आपको वो चाहिए देन यू कैन ट्राई आउट डैश लिन या फिर इन पास नाउ देर आर अ फ्यू थिंग्स एट यू गेट विद डैश लिन प्रीमियम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासवर्ड हेल्थ मिलेगा सो डैश लिन आपको बोलेगा कि आपके जो पासवर्ड्स हैं वो कैसे हैं इन यू नो वन सिंगल प्लेस ये आपको बोल देगा यू कैन ऑल्सो यूज डार्क वेब मोनिटरिंग अगर आपको चेक करना है कि आपका ई मेल किसी डेटा ब्रीच का पार्ट था कि नहीं एंड लास्टली अगर आप डैश लिन प्रीमियम के लिए पे करते हैं देन यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू डैश लिन का जो वी पी एन कोलेब्रेशन है विथ हॉट शील्ड प्रीमियम सो वो एक साल के लिए वैलिड रहता है अगर आपको डैशलिन का प्रीमियम वर्जन चाहिए फॉर फ्री मैं रेफरल एक्ट लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप उसको यूज़ करना आपको छः महीने का प्रीमियम मिलेगा ट्रायल मिलेगा एंड यू नो लेट्स ए आपने उसको यूज़ कर रहे हो फॉर लाइक सेवन डेज या फिर टेन डेज आपको पसंद आ जाए डैशलिन देन यू कैन ऑल्सो रेफर योर फ्रेंड्स लेट्स यू रेफर थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स तो फिर फॉर ईच फ्रेंड हु साइंस अप यूजिंग योर रेफरल लिंक आपको छः महीने का प्रीमियम मिलेगा आई नो इट हॉज ग्रेट राइट अगर इफ यू डॉ वॉन्ट टू यूज माई रेफर दैट्स ऑल्सो फाइन यू कैन ब्राउज द इंटरनेट आपको इंटरनेट बहुत सारे रेफरल कोर्स मिल जाएंगे वैसे यूज एनी ऑफ़ दो रेफरल्स एंड आपको छः महीने का um, प्रीमियम मिलेगा एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ I pay for Dashlane but not for the password manager. I have a VPN milta hai for one year and I just uh, use that. And the password manager that I use, the one that I have been using for the last 7 8 years, is NPASS. You can also pay for the premium plan of NPASS. That costs like 160 rupees per year in India, I think. So as you can see, a password manager use karna utna difficult difficult. Of course, I did not go super in depth in this video. You know, that is because I did not want. टू कन्फ्यूज दो पीपल जिनको पासवर्ड मैनेजर्स के बारे में कुछ पता नहीं था बहुत लोगों को पासवर्ड मैनेजर्स के बारे में पता नहीं होता एंड माई गोल वॉज टू शो दैम हाउ इजी इट इज टू सेट अप एंड यूज अ पासवर्ड मैनेजर ना मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए टू फाइंड आउट हाउ टू मेक योर फेवरेट पासवर्ड मैनेजर वर्क ऑन योर एंड्रॉयड और आई ओ एस डिवाइस एनी वे दैट ब्रिंग्स अस टू दफ़ दिस वीडियो आई सुन अपलोड अ वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा आप कैसे स्कैमर्स और हैकर्स से सेफ से रह सकते हैं आई शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर योर्स नाउ मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो आप कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करोगे मेरे को कॉमेंट्स में आप ज़रूर बताना लीव अ लाइक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और अगर आपका कोई दोस्त है जो हैक्ट हो चुका था रिसेंटली या शायद होगा उसको इस वीडियो को जरूर भेजना आज के लिए इतना ही अगली बार मिलेंगे हैव अ ग्रेट डे हैड एंड बाय बाय